हमने एक चैनल बनाया यूट्यूब में और उसमें एक वीडियो भी अपलोड कर दिया। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस चैनल को एक प्रोफेशनल चैनल में तब्दील करना जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्लिक करें चैनल, इस चैनल पर, यहाँ पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं कि हमने तो चैनल बनाया। इस चैनल में दो चीज़ हैनेबल है इस वक्त, अपलोडिंग आप अपलोड कर सकते हो और अनलिस्टेड एंड प्राइवेट वीडियोस भी अनेबल है। बाकी जितने भी ऑप्शंस है वो सारे डिजेबल है, चाहे मोनेटाइजेशन हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, लॉन्गर वीडियो हो, ये सारे डिजेबल है। तो हमने सबसे पहले एक काम करना है कि अपने इस जो हमारे चैनल है, हमने देखना है कि सबसे पहले ये जो लॉन्गर वीडियो, इसको अनेबल करना है। तो अनेबल के बटन पर क्लिक करते हैं। YouTube एक ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करें, कंट्री आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन हैं कि आप कॉल रिसीव करेंगे या टेक्स्ट मैसेज। मैं टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करता हूँ। तो YouTube यहाँ पर कहते हैं व्हाट इज़ योर नंबर, तो मैं अपना नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ये मेरा, मैंने एक नंबर इंटर कर दिया। अब इसको सबमिट करता हूँ तो YouTube मुझे एक मैसेज सेंड करेगा। अब मुझे एक मैसेज सेंड हो गया। मैं अपने मोबाइल को चेक करता हूँ। और यहाँ पर एक कोड मुझे मिल गया। मैं इस कोड को यहाँ पर इंटर करता हूँ। उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। कांग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड। अभी आपका ये यूट्यूब अकाउंट है वो तो वेरीफाई हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास लॉन्गर वीडियो अपलोड हो भी एनेबल हो गया, और साथ साथ आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एनिमेशन अपलोड हो गया, कस्टम थंबनेल भी हमारे पास अनेबल हो गया। अच्छा जी, हम वापस चलते हैं। चलो, अभी हमें एक और काम करना है। अच्छा, अभी हम जाते हैं एडवांस पे। यहाँ से एडवांस पर क्लिक करें, चैनल के एरिया से एडवांस पर क्लिक करें। तो इस एरिया से YouTube आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन और मांगता है। जो चैनल आपने क्रिएट किया हुआ है उस चैनल के लिए आपने कुछ कीवर्ड्स देने हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये फिर गूगल सर्च करता है। तो हम सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा जो चैनल है उसका नाम है न्यू एंड यूज्ड कार्स। तो मैं न्यू कार के हवाले से कुछ कीवर्ड टाइप करता हूँ। पहला कीवर्ड हो गया सेल,
दूसरा कीवर्ड मैंने इंटर कर दिया, अच्छा कार डीलर एक कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड है। अच्छा इसी तरह न्यू कार डीलर बाय अ कार चीप न्यू कार। अच्छा कहने का मकसद यह है कि जो चैनल आपने बनाया उस चैनल को अभी आप ज़रूरी है कि आप उसको कुछ कीवर्ड दें, और दूसरा आप अपना लोकेशन बताया कि आप इस किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने जो कीवर्ड इंटर किया उसके बाद हम जाते हैं एडवर्ट अकाउंट लिंकिंग। एक गूगल का अपना एक नेटवर्क है। अच्छा इस हम अपने चैनल को इस नेटवर्क के साथ लिंक करना चाहते हैं, लिंक एंड एडवर्ट अकाउंट। मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, साइन इन टू एडवर्ट फॉर वीडियोस, कॉपी द नंबर आईडी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द एडवर्ट वेबसाइट पेस्ट ईयर। तो सबसे पहले मैं एड्स गूगल डॉट कॉम पर क्लिक करता हूँ। अच्छा ये एक नया टैब में खुल जाता है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करता हूँ। अच्छा मुझे यहाँ से एक ऑप्शन दिया जाता है, ये एक नंबर है, एक देखिए मैंने यहाँ पर साइन हो गया। अब इस नंबर को यहाँ से कॉपी करें, पहला ऑप्शन है नंबर को कॉपी करें और यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। एडवर्ड जो अकाउंट है उसको एक नाम देते हैं, न्यू यूज्ड कार, उसके बाद फिनिश बटन पर क्लिक करें। लो जी हमारा जो चैनल है वो एडवर्ड के साथ लिंक हो गया। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है उस वेबसाइट को यहाँ पर आप टैप करें, तो मेरे पास जाहिर सी बात है एक वेबसाइट है न्यू कार्स के हवाले से। मैं इस वेबसाइट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ। जो वेबसाइट मेरे पास थे मैंने उसको यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड भी कर दिया। अभी थोड़ा नीचे चलता हूँ, गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आईडी। अभी आपके पास गूगल जो एनालिटिक है उसका आईडी आपने यहाँ पर इंटर करना है, जिस तरह की एक नंबर है। अच्छा इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करें, गूगल में जाए, गूगल एनालिटिक
क्लिक करें। इसका वेब एड्रेस है, इस एड्रेस पर क्लिक करें। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, साइन इन फॉर गूगल एनालिटिक, तो साइन अप पर क्लिक करते हैं। अपना अकाउंट का नाम इधर टाइप करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ, अगर किसी को कुछ पढ़ना है तो पढ़े, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अकाउंट सेटअप पर चलते हैं। इस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, वेबसाइट का नाम, ये हमारे पास वेबसाइट है, मैं इस अपने वेबसाइट को का नाम यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। अच्छा, वेबसाइट का नाम URL इधर आता है और यहाँ पर वेबसाइट का नाम आता है, न्यू एंड यूज्ड कार्स। अच्छा, इधर से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, ऑटोमोटिव से है। अच्छा, याद रखिए कि दो बार मैंने इधर लिखा हुआ है HTTPS। अच्छा, क्रिएट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करते हैं। टर्म और कंडीशन को पढ़ते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, गूगल एनालिटिक पे हम रजिस्टर हो गए, हमें एक आईडी मिला। ये देखिए सब, ये आईडी है, इस आईडी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब इसको सेव पर बटन पर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने अपने चैनल पर कीवर्ड्स ऐड किए, अब देखो, और उसके बाद हमने अपना जो चैनल है उसको हम लोगों ने एडवर्ड्स नेटवर्क के साथ लिंक भी कर दिया। हमने एक एसोसिएट वेबसाइट ऐड किया और हमने गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी भी ऐड किया और अपने लिए गूगल एनालिटिक का एक आईडी बनाया और उसको हमने रजिस्टर कर दिया, उसको सेव कर दिया। अच्छा अजी, दोबारा मैं चलता हूँ चैनल पे। अभी हमें कुछ चीज़ें और करने पड़ेंगे, वो है सबसे पहला मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन हम उस वक्त कर सकते हैं, हमें ये चीज़ जानना चाहिए कि नंबर वन, हमारे सब्सक्राइबर 10,000, मतलब 1,000 सब्सक्राइबर हों और आपका जो चैनल है उसके 4,000 व्यू हों। चलो लाइव स्ट्रीमिंग को अनेबल कर देता हूँ। रेडी इन 24 आवर, 24 घंटे के बाद आपका जो चैनल है वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी ओके हो जाएगा। वैसे चैनल पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, जब आपका मोनेटाइज, बाकी चीज़ें आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपका वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए
तैयार होगा, यानी आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जब तैयार होगा बाकी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इस वक्त आपने जो चैनल बनाए हैं वो एक प्रोफेशनल चैनल बन गया।